मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। इसकी पुष्टि भी मुंबई सचिव आदिल खान ने की है। आपको बता दें कि वसीम सैयद कल्याण लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वसीम सैयद को बड़ा झटका लगा है। आदिल खान ने पार्टी से निकाले जाने की पुष्टि भी की है। पार्टी से निकाले जाने की जो वजह बताई जा रही है, जहां समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, वहीं सपा के ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद ने पार्टी के खिलाफ जाकर कल्याण लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो फिलहाल पार्टी से निकाले जाने की वजह बीएसपी और सपा की गठबंधन बताई जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद ने पार्टी के खिलाफ जाकर कल्याण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है जो इन्हें पार्टी से निकाला गया है। मगर वसीम सैयद का वही कहना है कि हम अबू हाशिम आजमी से इसके बारे में मुलाकात करेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।